आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज, आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर। फिरोजाबाद से थाना टुंडला पुलिस ने शराब की चोरी करने वाला गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 अभियुक्तों किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 5 पेटी शराब भी हुई बरामद। टुंडला क्षेत्र के एटा रोड स्थित अंग्रेजी शराब के दुकान में 26 दिसंबर को 95 पेटी शराब चोरी की घटना को अंजाम इन्होंने दिया था। SI ओमेन सिंह व इनकी टीम को अभियुक्तों को पकड़ने में मिली बड़ी कामयाबी। चार लोग जो पकड़े गए हैं, क्या मामला है? पांच लोग पकड़े गए हैं। दरअसल 26-27 तारीख की रात में यहाँ पर टुंडला कस्बे में एक शराब की दुकान में चोरी हुई थी। उसमें 95 पेटी शराब, इंग्लिश शराब, ये लोग चुरा ले गए थे। उसमें एक गाड़ी पिकअप का भी इस्तेमाल किया था, उसमें एक पिकअप वाला भी था, जितेन था, और दो लोग आए थे काटू, दो लोग गए थे, इन्होंने चुराया। फिर बड़े चौराहे पे ले जा, बड़ा चौराहा जो है वहाँ गए, वहाँ तीन लोग मिले, पंकज और दो लोग साथ में, और इन लोगों ने फिर इसको सेमरा खंदौली में पड़ता है आगरा में, वहाँ पर एक सेल्समैन से, उसका नाम धर्मेंद्र था, उसके माध्यम उसको बेची खपाने के लिए, कुछ बच गई थी। उसको बेचने के लिए कलफुना ये लोग जा रहे थे, तो मुखबिर की सूचना पर ये जो उमेंद्र सिंह लगे हुए थे शुरू से इस काम में, लगातार लगे हुए थे और बहुत प्रयास किया, और इतनी जल्दी मुलजिमों को प्राप्त कर लेना एक अपने आप में तारीफ की बात है। तो उन्होंने टीम के साथ उनको जाके करीबन शाम को 5 बजे पकड़ दिया। अगर टोटल 5 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 जिसमें से भागे हुए हैं। इसमें कितने की शराब चोरी हुई थी, कितने बरामद हुई है? 95 पेटी हुई थी चोरी, 3.5 लाख कीमत जिसकी है उतनी की चोरी हुई थी, और 5 पेटी बरामद हो पाई, क्योंकि बीच इन्होंने दिसंबर के पहले ही चुराई थी, इसीलिए इन्होंने भी ज़्यादा मंगवाई इसलिए ली थी कि दिसंबर ज़्यादा खपत होगी, उन्होंने दिसंबर में बेच के ज़्यादातर तो उसी समय 9 वर्ष के अवसर पर खपा दी थी। 5 पेटी इसलिए मिल पाई जो बेचने जा रहे थे ये पुनः।